हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है यहाँ प्यार है बहुत है या प्यार है क्या है बोलो बहुत बहुत पक्का तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना बड़ी बात है बड़ी बात नहीं है तो पूरा त्याग किया है जो बाप कहता है जो बाप चाहता है वो क्या सदा कभी कभी का काम नहीं चलेगा सदा का राज भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का सदा का चाहिए तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे में व चलन में दिखाई नहीं दे कभी कभी कहते हैं ना आज बहन जी या भाई जी का मूड और कहते हैं ना आप भी कहते हो आज मेरा मूड और तो इसको क्या कहेंगे सदा प्रसन्नता हुई कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते लेकिन वो प्रसन्नता अलग काल की आज है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी तो ये भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है ये जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना तो सीमेंट के साथ रेत का मात्रा ज्यादा डालते हैं मिक्स करते हैं तो ये भी ऐसा ही है जो फाउंडेशन मिक्स है यथार्थ नहीं तो सरल सा परिस्थिति का तूफान आता है वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देते तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे आपकी और ही खींचे रूहानी स्नेह
जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। गिव ब्लेसिंग्स एंड रिसीव ब्लेसिंग्स। ओम शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। दाता बना देवता, देने वाला। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता माना देवता हो, देने वाले हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सबका व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 14। दुआएं दो, दुआएं लो। और आज का विषय है दाता माना देवता, देने वाले। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सब लोग ठीक हैं? ठीक हैं सभी? सबने दिवाली मनाई? दिवाली की बहुत सेलिब्रेशन हुई ना भारत में, तो बहुत सेलिब्रेशन होती है। और गुजरात में तो आज नया साल भी मना रहे हैं। और आज भाई दूज भी मना रहे हैं, उसको हम भाई दूज बोलते हैं। तो बहुत सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं ना। हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन हमारी तो पूरी जीवन ही उत्सव की जीवन है। हर कोई, हर एक जो बाबा के बच्चे हैं, कुछ ना कुछ गुणों को दिखाते हैं, विशेषता को दिखाते हैं। तो उनका स्वरूप कुछ ना कुछ दाता के रूप में ही होता है। तो जैसे कि देवी देवताओं का स्वरूप है, क्योंकि वही हमारा यादगार है। लेकिन बाबा बहुत इसके बारे में हमको आजकल बता रहे हैं। Some personalities, whenever they look around, look at कुछ लोग, जैसे जब लोगों को देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो उनकी ध्यान जाता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, इन बातों में ध्यान जाता है। तो और बहुत उनको खुशी होती है जब उनको कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है। जैसे दुआएं देना वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दुनिया की चीजें, स्थूल चीजों में भी बहुत बुद्धि जाती है कईयों की।
तो आप लोग तो जमा करना नहीं चाहते ना, बहुत कुछ जमा हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। तो देना या जब भी देना है दाता तो दिल से दो, इस भावना से दो। खासकर से इस संगम युग में जब भी दो तो भावना से दो, दातापन की, कल्याण की भावना हो। आत्मा के परिवर्तन की भावना हो, दूसरी आत्माओं को मुक्त कराने की भावना हो, ताकि वो दूसरों के प्रभाव से मुक्त हो सकें। ये बहुत सूक्ष्म है ना, कि कैसे हम ध्यान दें कि जो भी मैं कर रही हूँ, मेरा जो भी निर्णय है वो किसी से प्रभावित होकर तो नहीं है, किसी के प्रभाव में आकर तो नहीं है, क्योंकि जो भी हम निर्णय लेते हैं तो वो कईयों के जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन उसमें संभव है कि कई बार हमें धोखा मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। चाहे आप पूरे परिवार के मुखिया हो और आप निर्णय लेते हो, तो फिर कितनों को आपका निर्णय प्रभावित कर सकता है। तो आपको ये पक्का करना है कि आप अपने जीवन में मूल्यों के आधार पर जीवन जिए, जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है उस आधार पे हमारे निर्णय हो, जो बाबा हमको नियम बताते हैं उसके आधार पर हमारे निर्णय हो, ताकि अगर हम मानो किसी बात में प्रभावित हो भी रहे हैं तो, लेकिन जब हम श्रीमत को देखेंगे तो फिर हम निर्णय ठीक करेंगे ना। तो इस क्योंकि अगर हम प्रभावित हैं तो हम नहीं जान पाएंगे ना। और जब हम मुक्त हो जाते हैं, किसी भी प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तो तभी हमको समझ में भी आता है, अरे हम तो उसके प्रभाव में थे। तो जब आप मुक्त हो जाते हैं किसी के प्रभाव से, तब आपको महसूस होता है। लेकिन अगर आप किसी के प्रभाव में है और फिर अगर निर्णय लेते हो सकता है कि आपका निर्णय ठीक भी ना हो, क्योंकि आपने किसी और से प्रभावित होके लिया। तो हमको बहुत ध्यान देना है इस बात पर। कई बार मैं देखती हूँ कि कई बार लोग जो दूसरों से प्रभावित होते हैं, उससे भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके हर संकल्प में, आप आत्माओं के हर संकल्प में जो भी आपकी दुआएं निकले वो दूसरे के कल्याण के लिए निकले। आपके दिल में क्या है वो दूसरों को बस दुआएं देने का हो, वो दूसरे के लिए क्या कल्याण करेगा, ऐसे ही संकल्प हो। जो श्रेष्ठ परिवर्तन है दूसरे का, दूसरे के कल्याण के लिए, तो उससे जो श्रेष्ठ परिवर्तन होगा और जो दूसरी आत्माओं को आप मुक्त करा पाओगे दूसरों के प्रभाव से, किसी भी प्रभाव से मुक्त करा सकोगे। तो दादी हमेशा कहती थी, अगर कोई आत्मा वशीभूत है उसको स्वतंत्र बनाओ। तो आप किसी को कुछ भी अपनी मत देते हो या कुछ सलाह देते हो तो वो उससे प्रभावित हो जाते हैं ना। So, making souls free from
तो आत्माओं को किसी भी बात से वशीभूत हो तो उसको मुक्त कराओ, स्वतंत्र कराओ, और जो खुशी है, खुशी आपके चेहरे से नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप दाता हो, देने वाले हो, दाता हो, देवता हो, देने वाले हो, क्योंकि जो भी आपके मन में होगा तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा, आपकी भावनाओं के रूप में दिखाई देगा। तो बाबा को देखो, बाबा कैसे देते हैं हमको, बाबा जो भी देते हैं आत्माओं को, जैसे आत्मा को पवित्रता है, प्यार है, बाबा से मिलता है, तो हम भी तो ऐसे दाता है ना, तो देने वाले है ना, तो हम भी ऐसे सोचें कि दूसरे का कल्याण कैसे है, किस में है, और उसमें हमारी वृत्ति में हमेशा लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि मुझे कुछ मिले, कोई भी सूक्ष्म इच्छा हो कुछ लेने की, ऐसा नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं हमारा हर कर्म ऐसा हो जिससे दूसरे का कल्याण हो। तो ऐसे कोई भी सूक्ष्म में इच्छा नहीं हो। तो ये बहुत सूक्ष्म है, आप इसके ऊपर और चिंतन करना कि आप देवी देवता हो, देने वाले हो, और जो हम क्या देते हैं, और फिर क्या हमको प्राप्ति की इच्छा तो नहीं रहती, आप इसके ऊपर चिंतन करना। तो सिस्टर शिरीन कह रहे हैं ओम शांति, दीदी को गुड मॉर्निंग, और अव्यक्ति परिवार को गुड इवनिंग, क्योंकि वहाँ सुबह है भारत में। तो दीदी कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कई बार हमें कुछ प्राप्त करने का, कि हमें इसके बदले में कुछ मिले, कुछ पाने की इच्छा हो, ये सब कुछ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो जब बाबा अव्यक्त मुरली में आज हमको कह रहे थे कि आप लोगों को प्यार का रिटर्न देना आता है, तो बाबा कह रहे थे कि हर वक्त आप सदा कैसे बाबा को प्यार का रिटर्न दे सको। तो जैसे बाबा हमको कह रहे कि सदा करो, तो सदा करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। तो दीदी कह रहे हैं कि जब आप प्राप्ति करते हो बाबा से, तभी आप दे भी पाते हो। तो बाबा हमेशा हमको कहते हैं कि हमारी क्या भावना है किसी को कुछ देने के लिए, दूसरे का कल्याण करने की भावना हो हमारी, तो वो बहुत जरूरी है कि कल्याण की भावना छिपी हो हमारे हर कर्म में, तो फिर वो सदा हो जाएगा। तो आप एक बात कह रहे थे कि आप हमेशा दूसरों से प्रभावित होते हो, लेकिन हम वो प्रभाव को तभी समझ पाते हैं जब हम स्वतंत्र होते हैं। तो कैसे हमको पता चले कि हम इससे प्रभावित हैं, उससे प्रभावित हैं? तो हम ये महसूसता कैसे करें कि हम किसी के प्रभाव में तो नहीं आ रहे, जल्दी हमको कैसे पता चले किसी के प्रभाव का? तो आप अगर किसी को कोई मत देते हो, कोई सलाह देते हो, तो आपको पता होता है ये मेरी नहीं है, मैंने ये सुना है, किसी ने कोई बात मुझे कही है, और या किसी के कहने के आधार पर मैं ये निर्णय ले रही हूँ। तो अपने निर्णय को देखो कि ये किसके आधार पर है, किसी की मत पे तो नहीं है, लेकिन अगर हम बाबा की जो श्रीमत है उस आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे अगर किसी को कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर जब भी वो उस चीज को अनुभव करेंगे तो वो वापस आएगा उनके पास, एक डर के रूप में कि वो कुछ हो नहीं जाए, कुछ ना हो। तो जब भी आप उस बारे में सोचेंगे तो आपको डर लगेगा, तो मुझे सोचना है, ओ मुझे इस आदत को छोड़ना है, क्योंकि इससे मुझे डर
का अनुभव होता है, तो फिर अगली बार आपको महसूस होगा कि वो डर का मुझे मुझ पर प्रभाव था। तो कई बार हम कई चीजों को जैसे पहले ही सोच लेते हैं ना, तो जैसे हम उसके प्रभाव में आ गए हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि कई बार कोई चीज होती है तो मैं सोचती हूँ कि अगली बार नहीं होगा, लेकिन हम बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं, सोचते ही जाते हैं, तो मैं कहती हूँ ओ पिछली बार ये ऐसे हुआ था, पिछली बार ऐसे हुआ। तो जैसे कि हम उन संकल्पों को जन्म दे रहे हैं, रच रहे हैं ना। नहीं तो हम कहें कि हो गया ना, जो भी हो गया वो हो चुका, और जो होगा वो बाद में, फिर वो होगा तो अलग होगा। तो मैंने अपने संकल्पों को हम परिवर्तन कर सकें, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म में हम काम करते हैं इसमें। तो लेकिन चाहे वो संस्कार हो, परिस्थिति हो, या कोई भी चीज जो हमको तंग कर रही है, तो हमेशा श्रीमत के आधार पर ही निर्णय लो, तो वो सबसे अच्छा प्रभाव है। अगर हम श्रीमत के प्रभाव में ही रहे बस, और किसी के प्रभाव में नहीं आए, तो किसी और की बात को देखो, ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी और के प्रभाव में नहीं आए, मम्मा के, दीदी के, दादियों के, किसी के नहीं। तो वो बल्कि उनको कहते थे बाबा को निर्णय लेना है, बाबा को करने दो। तो दूसरे रूप में बाबा ये कहते थे कि सिर्फ श्रीमत और सिर्फ जो भी नियम है, मर्यादाएं हैं, उस पर ही चलते रहे, उसी के प्रभाव में रहे बस। तो चाहे वो हमारे कोई भी नियम है, मर्यादाएं हैं, उस आधार पर ही निर्णय ले। जैसे समझो किसी को मिर्ची बहुत पसंद है, और फिर वो आप खाना छोड़ दो क्योंकि आपके शरीर को पसंद नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप खाते हो तो आपको पता होता है अंदर में, ओ ये मेरे शरीर को इसका नुकसान होगा। लेकिन कई बार ऐसे संस्कार होते हैं तो हम फिर वो उस संस्कार में हर बार खींचते जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही दूसरों के प्रभाव में नहीं आए जिससे हमें नुकसान हो, क्योंकि हमको पता है कि वो हमको नुकसान करने वाला है, कोई भी और मत है। तो ऐसे कि हम कहीं भी किसी और चीज से प्रभावित नहीं हो सिवाय बाबा की मत के। तो आप ये कह रहे हो कि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि ब्रह्मा बाबा ही निर्णय लेंगे, तो आपने कभी देखा है ब्रह्मा बाबा को ऐसे कहते हुए? तो दीदी कह रहे हैं कि एक बार मैं बैठी थी और दादी जानकी भी बैठे थे, और हम बात कर रहे थे कि किसी आत्मा की कोई दो बात थी, कोई कहीं जा रहे थे या कुछ, तो दादी जैसे हमको सुन तो रही थी, लेकिन दादी बिल्कुल न्यारी होकर बैठी थी, बिल्कुल साइलेंस में बैठी थी, बाबा को याद कर रही थी। बाबा को याद करके फिर निर्णय लेते थे। तो वो हमेशा कहती थी कोई भी निर्णय लेना है तो मुझे बिल्कुल सच्चाई से लेना है, किसी के प्रभाव में आके नहीं लेना, बाबा को याद करके बाबा से वो निर्णय आना चाहिए, तो उसमें हमेशा सफलता होगी। लेकिन अगर दूसरों की बातें सुनकर निर्णय लेंगे, तो दादी ऐसे हमेशा चेक करके, तो हर चीज दादी जैसे साइड में रख के, न्यारी होके, बाबा को याद करके, तो फिर निर्णय लेती थी। तो हमको दिखाई देता था, समझ में आता था कि दादी क्या कर रही है। तो दीदी शरीन बहन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। तो एक चीज जो बाबा साकार मुरली में आज कह रहे थे कि लोगों को खुशी का पता ही नहीं, क्योंकि उनको यह भी नहीं पता कि हम दुखी हैं। तो मैं पूछना तो नहीं चाहती थी आपसे ये, पर लेकिन कैसे हम समझे कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं ब्राह्मण जीवन में भी? तो देखो, अगर आपके शरीर में दर्द है,
और डॉक्टर जब हमको पूछता है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कि सब जगह दर्द हो रहा है या किसी जगह में हो रहा है, तो आप कहते हो मुझे पता नहीं क्योंकि सब जगह ही पेन हो रहा होता है. तो ऐसे कई लोग हैं वो उदास हो जाते हैं, और जब वो उदास होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि उदासी किस कारण से आ रही है, किस कारण से दुख आ रहा है. तो ये सिर्फ तभी होता है जब जब हम जब कोई दुख नहीं होगा तो तब उनको समझ आता है कि ओ पहले हम तो बहुत दुखी थे, उस समय ऐसा था. तो दीदी कह रहे हैं मैं कल ग्लोबल हॉस्पिटल में थी क्लास के लिए, और मैं उनको कह रही थी कि बस खुश रहो, खुश रहने से. तो दीदी शिरीन बहन कह रहे हैं जब आप कहते हो कि तो ये बहुत सहज लगता है जब आप कहते हो, लेकिन दीदी कह रहे हैं कि देखो कभी ऐसे लगता है तो बाबा के बारे में सोचो, बाबा के बाबा ने जो हमारा भाग्य बनाया उसके बारे में सोचो, और अपने गुणों के बारे में सोचो, शक्तियों के बारे में सोचो, बाबा के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचो, कुछ भी ऐसा सोचो जिससे आपको खुशी मिले, तो फिर आपकी खुशी सदा के लिए हो जाएगी. तो शिरीन बहन कह रहे हैं शुक्रिया बहुत बहुत, ओम शांति. बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है. अव्यक्त बाप दादा के सामने एक माता रो रही थी, एक बहन रो रही थी, तो बाबा ने कहा बच्चे रो ले अभी, रोना फिर भी अच्छा है, धर्मराजपुरी में जब डंडा मिलेगा ना सजा मिलेगी तब जो तू रोएगा उसके बदले में अभी रो ले, और अभी रियलाइज कर कि इस प्रकार से गलतियां अभी नहीं करनी चाहिए. धर्मराजपुरी के अंदर जब सजाएं मिलेंगी तब मालूम पड़ेगा कि हमने झूठ आदि के प्रयोग के आधार पर जो भी विकर्म किए हैं उसकी क्या सजा होती है. हमारे ही दैवी परिवार के अंदर एक भाई का शरीर छूटने वाला था, तो उसने पहले से ही बाबा को कई बार कहा हुआ था कि बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है. तो वो भाई जो है ना तीन दिन अनकॉन्शियस रहे थे, कोमा में रहे थे, और उसके बाद उनका शरीर छूटा. 62 की बात है. तो जब 62 की बात है, जब तीन दिन के बाद शरीर छूटा, और अव्यक्त बाद में शरीर छूट के बाद में क्या हुआ, बाबा ने उसकी आत्मा को संदेशी के तन में भेजा था. तो हमने उनसे पूछा था कि आप ये तीन दिन जो है कोमा में रहे उसमें क्या आपका अनुभव रहा. तो उसने यही कहा कि मैंने बाबा से रिक्वेस्ट किया था कि बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, इसी तन में जितने भी सजाएँ भोगनी है उसमें उसको भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु मुझे आगे ये पाप का हिसाब किताब आगे बढ़ाना नहीं है, धर्मराजपुरी में आपके पास नहीं आना है. तो इसके कारण बाबा ने वो तीन दिन कोमा में रहे, उस तीन दिन में पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्मों की सजा यहाँ ही उसको अनुभव कराई. और इसलिए उसने कहा कि मैं वो तीन दिन के अंदर जो है मैंने पिछले जन्मों के विकर्मों की सजा यहाँ ही भोग लिया, इसके कारण धर्मराजपुरी में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है. एक भाई को मुझे मैंने पूछा कि आपको धर्मराजपुरी में जाना है या नहीं जाना है. वो भाई ने कहा मुझे तो धर्मराजपुरी में जाना ही है.
मैंने कहा ये तो भाई कमाल की बात है, आप सब में कोई ऐसा है जिनको धर्मराज पुरी में जाने की इच्छा हो? कोई है यहाँ धर्मराज पुरी में जाने की? वो भाई ने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वो भी एक दुनिया है ना, वो दुनिया को देखना है। देखिए कैसी खोपरी होती है, जो संस्कृत में कहते टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना, कहा वो भी एक दुनिया है तो मुझे वो दुनिया देखनी है, इसलिए मुझे धर्मराजपुरी में जाना है। और दूसरा क्या, ब्रह्मा बाबा को ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, तो वहाँ पर भी धर्मराज के साथ में बैठे हुए होंगे ना, उनके राइट हैंड में बाबा मम्मा और सब हमारे दादियाँ आदि बैठी हुई होंगी, उन सब का मुझे दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा भाई साहब ये तो आपकी उल्टी मति है, उनके दर्शन के लिए धर्मराजपुरी में क्यों जाए, सतयुग की आदि में आ जाओ। हाँ सतयुग में आदि में आएंगे तो सबका दर्शन हो जाएगा। हाँ उनके दर्शन के लिए धर्मराजपुरी में जाने की क्या इच्छा है? और सतयुग देखो ना, हाँ धर्मराजपुरी को देखने से क्या फायदा? हाँ सतयुग का स्वर्ग देखना अच्छा या धर्मराजपुरी में देखना अच्छा, आप ही बताओ। परंतु वो भाई कहे कि नहीं मुझे तो धर्मराजपुरी में जाना ही है। मालूम नहीं अपने दैवी परिवार में अनेक प्रकार के रत्न बैठे हुए हैं, तो ऐसे भी रत्न है कि जिसने हमको कहा कि मैं तो धर्मराजपुरी में जाना चाहता हूँ। सोचिए इस प्रकार से, आपको धर्मराजपुरी में जाना है या नंबर वन पुरुषार्थी बन करके सतयुग के आदि रत्नों में बनना है, सोचना। और इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि जो कल बाबा ने जो कहा ना, हाँ उसके आप पर उसके आधार पर पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे तो नंबर वन पुरुषार्थी अवश्य ही बनेंगे, और नंबर वन पुरुषार्थी क्या फल रूप सतयुग के आदि रत्नों में आ ही जाएंगे। आप सब हम सब हाँ सतयुग के आदि रत्नों में आए, यही शुभेच्छा नए वर्ष के लिए आप सबको। ओम शांति। निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा। अभी हम व्यक्त मुरली का रिवीजन करेंगे, पदम गुना भाग्य और दुआएं। Avyakt Murli, 27th of February, 1972. Avyakt Murli. Holy Swan Memorial Holi. 27 February, 1972. Holy Hans banne ki yaadgar Holi. Maya se bachne ki yukti bahut sahaj hai. Bache ban jao, godi mein baith jao, to bach jayenge. तो पहले बचने की युक्ति बताते हैं, फिर भेजते हैं। बहादुर बनाने के लिए ही भेजते हैं, हार खाने के लिए नहीं, खेल खेलने के लिए भेजते हैं। तो जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो
इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक हैं, तो जो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो, ये तो खिलौने हैं जिससे खेलना है, ना कि हारना है। तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल कराया जाता है ना। तो अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा ये अलौकिक खेल है, तो ऐसे समझ कर खेलो तो फिर डरेंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हार नहीं खाएंगे। तो सदा इसी शान में रहो। तो ये है अलौकिक खिलौने खेलने के लिए। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय शान से नीचे उतरते हो तब देह अभिमान में आते हो, तो सदा काल के संग के रंग का संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज हर सेकंड बाबा से मिलन मिलाते, हर रोज अमृत वेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो। अपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेला उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सब शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वो संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए होते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बनकर आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते हैं लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। अच्छा, ऐसे होली हंसों को होलीएस्ट बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।